बताइए विट्ठल, क्या बात है? क्यों बैठी तुम राघव सिंघानिया की गाड़ी में? हम लोग मर गए थे क्या? हमको फोन नहीं कर सकती थी? अरे हम लेके आते तुझे, बस कार की जगह रिक्शा होता। और पापा मेरा फोन, तेरा फोन खराब था, फोन बंद हो गया था तो पीसीओ वाले मर गए थे क्या? क्या हमारा नंबर भूल गई थी? बेचारी को इसमें इसकी क्या गलती है? बारिश में खड़ी भीग रही थी, पुकी राघव ने देख लिया, ले आए। आखिर पुकी सहेली है ना कल्पी की, अच्छा ही हुआ ना जो साथ ले आए। पता नहीं अकेले खड़े कब तक भीगती रहती। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी सच्ची में। एक तो बारिश हो रही है ना तो ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा हुआ कोई अपना छोड़ गया। ओ मैडम, आपका हो गया तो चुप करो ना। विट्ठल, मेम साहब सही कह रही हैं। पाकी कल्पी की सहेली है, उसने जिद की होगी। अच्छा, जिद की होगी? अगर उसने जिद की तो इसको मानना जरूरी था क्या? इसको समझ में नहीं आया? अरे हमने फिर भी सहन कर लिया, इसी को छोड़ के गया था ना मंडप में कि नहीं? गाड़ी तो चला रहा था राघव, वो नहीं दिखा? जिद की तो बैठ गए। इसको बोल देना आज के बाद अगर ये राघव सिंघानिया से मिली ना तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। नहीं विट्ठल, शांत रहे, मैं बात करूंगी कल्पी से, देखो समझ जाएगी। ये ले पानी पी ले। विट्ठल सिर्फ इस बात से नाराज है कि राघव उसे छोड़ने आया था। अगर इसे सिंदूर के बारे में पता चल गया तो वो क्या कर बैठेगा? मुझे ये बात उससे छिपानी होगी।